2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ओवैसी की नज़र जो है सीमांचल पे है। यहाँ पे चार लोकसभा की सीटें हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया। तो सीमांचल में दो दिवसीय दौरे पर ओवैसी आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, ओवैसी आ रहे हैं, मतलब वहाँ अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कोई पार्टी नहीं, उन लोगों का एक ही लक्ष्य है 2047 तक भारत को इस्लामीकरण करना। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जाग गई है, अब ऐसा होने वाला नहीं है। वो घूम के मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। देश का विभाजन ही हुआ था धर्म के आधार पर, मुस्लिम को पाकिस्तान जाना था, हिंदू का भारत बना। अगर वो रह गए, मैं सरकार से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि सरकारी जो योजनाएं हैं और वोटिंग राइट, उनको समाप्त कर दिया जाए, वो लोग यहाँ एक नागरिक बन के रहे। तो ये तो सर संविधान के खिलाफ हो जाएगा ना? संविधान के खिलाफ देश विभाजन हुआ था इसी के आधार पर। संविधान बनने के बाद नेहरू और लियाकत समझौता में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है, इसलिए वो लोग देश में रहेंगे। ओबीसी ऐसे लोग तो देश का बेड़ा गर्क होगा। उधर हाल ही में किशनगंज में एक मंदिर में भी आग लगाई गई थी। निश्चित रूप से ऐसे लोग संपूर्ण जगह, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश में, बिहार में खास करके, हजारों एकड़ सरकारी जमीन श्मशान में गरबा दिया गया है। किसने गरबाया? तुष्टिकरण की नीति के तहत। आज गरीब, पिछड़ा, दलित को आवास, रहने के लिए घर नहीं है, जमीन नहीं है। सरकार कहती है खरीद करके देंगे, और एक तरफ हजारों एकड़ जमीन सरकारी श्मशान के रूप में गरबा दिया गया है। तो ये तो हरिभूषण ठाकुर बचौल बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, सरकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए, योजनाओं का लाभ मिलना उनको बंद हो। सो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि बीजेपी जो है कहती है सबका साथ और सबके विकास के रास्ते पे मोदी सरकार चल रही है। बता दें ओवैसी जो हैं दो दिवसीय सीमांचल दौरे पे आ रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। सीमांचल में 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी के 5 विधायक जीते थे, जिसमें से 4 अब RJD में चले गए हैं। तो ओवैसी कहीं ना कहीं नाराज हैं और अपनी पार्टी को वहाँ पर फिर से खड़ा करना चाहते हैं, उसी के उद्देश्य के साथ वो सीमांचल आ रहे हैं और जो अल्पसंख्यक समाज है उसको साधने की कोशिश करेंगे। अगर वो उनको सक्सेस मिलेगा तो कहीं ना कहीं फिर महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। 2020 में उन्होंने ज़बरदस्त सेंधमारी जो है महागठबंधन के वोट बैंक में की थी, लेकिन बचौल जो हैं सीधा बोल रहे हैं कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लिया जाए और जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है उनको वो भी बंद किया जाए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, ABP News पटना।